बार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा सिंगल कटोरी। ठीक है, तो सिंगल कटोरी में दिखाऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम 26 से लेकर 44 तक हम सिंगल कटोरी का पैटर्न खुद ही बना सकते हैं। और इसीलिए वो साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला दिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा और पैटर्न कटिंग करके लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को। और बहुत सिंपल है जो टेक्निक मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। बहुत पहले मैंने इस वीडियो अपलोड किया है, मगर अभी जो सभी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि ब्लाउज का कुछ नया करके आप लोगों को फॉर्मूला और साथ ही साथ कुछ नया टेक्निक आप लोगों को साथ शेयर करूँ। आप लोग वो तरकीब तो आप जानते हैं, ठीक है, मगर ये जो टेक्निक है ये से भी सीखी, ये और भी अच्छा है और भी इजी है। इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूला के साथ इस वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को करने में बहुत आसानी होगा। और उस वक्त मैंने जब कटोरी दिखाया था उस वक्त कोई फॉर्मूला नहीं दिया था आप लोगों को, मगर अब दे रहा हूँ और इस वीडियो में ही आप लोगों को फॉर्मूला के साथ डायरेक्ट सिखाऊंगा। तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड, अब एट फर्स्ट ये फॉर्मूला को लिखे, ठीक है, और उसके बाद जो कुछ बोलना है आप लोगों को समझाना है तो मैं तो कटिंग करूंगा और साथ ही साथ समझाऊंगा। मगर आप लोगों को रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस फॉर्मूला को आप पहले लिखे और अपने जो डायरी है उसके पास रखिए, नहीं तो मैं जो समझाऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो सिंगल कटोरी है वो क्या है वो मैं सबसे पहले मैं जरा दिखा दूं। तो इसमें क्या होता है, एक एलिट होता है, एक स्लीव होता है और ये कटोरी होता है। जो हमारा जो चोली कट में जैसा होता है ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट ऐसे नहीं होता है, सिंगल होता है। मैंने जो सिंगल डॉट दिखाया ये डॉट इधर होता है, इधर होता है डॉट, तो ये तरह तरह का डार्ट होता है, मगर मैंने सिंगल आप लोगों को दिखाया ताकि ये आसानी से आप लोग कर पाएंगे। और एक एस लगता है और एक बैक पट लगता है। तो मैंने सिंगल कटोरी का अलग अलग टेक्निक मैंने पहले आप लोगों को दिखा दे चुका हूँ, मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंगल कटोरी कटिंग करूंगा और साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे कुछ टिप्स दे दूंगा ताकि आप जो 26 से लेकर आप 44 तक आप खुद ही आप बना सको कटन। ठीक है,
तो चलिए इसके लिए हमें हमें तो बैक पार्ट कैसे कटिंग करना है पता है, इस पार्ट कैसे कटिंग करना है पता है, एलिट कैसे कटिंग करना है पता है, ठीक है, स्लीव कैसे कटिंग करना है पता है। तो चलिए आज कटोरी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग फ्रेंड फॉर्मूला को आप ज़रा देखे, मैं पहले आप लोगों को बता दे चुका हूँ, अगर नहीं आपने लिख लिया तो आप पहले आपको फॉर्मूला लिखे। तो वो क्या है, मैंने 34 साइज लिया है। तो सबसे पहले आपको जो जो मेजरमेंट इसमें चाहिए, एक ब्लाउज के लिए जो जो मेजरमेंट चाहिए सभी इसमें भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है हमें एक लेंथ चाहिए। लेंथ का मतलब है हम तो कटोरी कटिंग करेंगे मगर इसमें ऐसे करके जो शेप मैंने दे रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड मैंने एक शेप दे रहा हूँ, ये फ्री हैंड भी दे रहा हूँ। अगर आपके पास अगर कोई भी चोली कट का जो पैटर्न है अगर आपके पास है तो आप लीजिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। जैसे मैंने फॉर्मूला दिया, आप ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो ठीक है, मेरा सभी वीडियो आप देखे, आप जो टेक्निक और जो नॉलेज मैंने दिया है उसी से लेकर आप कटिंग करें। अगर ना हो और कुछ समझा बुझा कम हो आप तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज करें कि मानिए ये बहुत अच्छा फिटिंग होगा ये, और जो तरकीब में दिखा रहा हूँ। तो ये एक शेप है डेप नेक के बराबर, ये देखिए अगर हमारा पास एस हो, जैसे कि आप लोग देखते हैं मैंने चोली कट में भी दिखाया जो इधर ऐसे करके कितना डेप देना है मैंने दिखा, तो उसी तरह ये शेप हमें देना है। और उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहले क्रॉस पॉइंट चाहिए। क्रॉस पॉइंट तो हमें जिन लोगों को चोली कट पता है तो चोली कट से भी आप लोग ले सकते हो। अगर ये देखिए चोली कट में जो डाउन कर हुआ है इस तरफ से मेजरमेंट, ये देखिए 4.5 लिया हुआ है इसमें, तो कितना बचे 5 बचे, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हमारा होगा, यानी कि जो हमारा ए और जेड का जो मेजरमेंट है वो 5 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला में देखिए मैंने 5 लिखा हुआ है मगर उसमें मैंने बोला है ऊपर से सीम्स छोड़कर, बंगाली में लिखा है बात देकर हम ऊपर से सीम्स छोड़कर, ये देखिए इसी तरह आपको मेजरमेंट लेना है, बहुत सिंपल है। और इसमें सबसे खास बात है फ्रेंड जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये हमारा जो फ्रंट का मेजरमेंट मैंने भी वो भी दे डाला आप लोगों को, तो वो फ्रंट का मेजरमेंट जी और एफ कितना है 4.5 है, तो 4.5 हम यहाँ पर लेंगे 4.5। ये देखिए कितना अच्छा कितना इजी है वो टेक्निक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो पैटर्न ले ले इस जगह से, एक मेजरमेंट ले 5 करके, ठीक है, यहाँ से लीजिए आप, यहाँ से 5 लीजिए, ये ऐसे करके, और इसके बाद यहाँ से कितना हुआ होता है ये 4.25 होता है, 4.25 कटिंग कर दीजिए इस जगह को, मैंने कटिंग कर दिया है और उसके साथ साथ ये ड्रॉ किया है और इसके साथ ये भी करना है, ठीक है। और ये तो हो गया है हमें, और उसके बाद ये लाइन भी हमें पता चल गया है कितना होगा हमारा ये लाइन, और उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट एक चाहिए हमें, ये देखिए 5 चाहिए, मैंने 5 ले लिया है यहाँ से। और क्या चाहिए फ्रेंड, और इस जगह में हमें चाहिए जो हमारा जो और एक थिकनेस चाहिए जो पडल होता था, ये दोनों पार्ट एकॉर्ड है, तो हम 34 में हम क्या लेते हैं 3.5 लेते हैं, तो 3.5 लेते हैं। और यह से हम जब डार्ट देंगे तो डार्ट का भी बहुत सारा मेजरमेंट होता है, वो सब हम बाद में लेंगे, पहले इसमें हम 3.5 ले ले इस जगह के लिए। चलिए 3.5 मैंने ले लिया, 4 ले लिया इस जगह से, ठीक है। और इसमें से डार्ट मैंने 1.25 ले रहा हूँ, ठीक है, 1.25, ठीक है। और ये इसके बाद इस जगह से 3.5 हमारा जो पॉइंट है डार्ट का वो छोड़ के मैंने थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट ले लिया है इस जगह, बस और कुछ भी नहीं है, ये ऐसे रखिए। और यहाँ से यहाँ तक डार्ट दे दीजिए, ठीक है, जो पॉइंट है थोड़ा सा उसमें नीचे दे दीजिए आप, और इससे भी थोड़ा सा नीचे दे दीजिए, ठीक है। और इसके बाद
इधर भी हमें कितना चाहिए मेजरमेंट, और इधर इधर हमें 3 इंच चाहिए फ्रेंड। ये देखिए 3 इंच हमें मिल गया है इस जगह से, ठीक है। और ये इस तरीका से हुआ है, जो हमारा डार्ट दिया है वो डार्ट से ही हम सीम्स देंगे, तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं लेंगे। अगर चाहते हैं आप लोग जो चलिए ये थोड़ा सा छोड़ के दे, तो इधर थोड़ा सा आपको हटाना है इसे, ठीक है। अगर नहीं हटाना तो कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे वैसे ही रखिए, उसको चेंज नहीं करना है इसे, और इसे भी छोड़ दीजिए। और उसके बाद इस जगह से लेकर इस जगह तक और एक मेजरमेंट आपको चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी और एक मेजरमेंट आपको चाहिए, वो क्या है, वो है फ्रेंड आप फॉर्मूला में देखे, मैंने ए और बी करके एक जगह छोड़ दिया है, ठीक है। ए और बी करके एक जगह छोड़ दिया है, वो जगह में आप जरा ध्यान रखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। जो जो उस जगह का जो माप है, टोटल इस जगह का माप कितना होगा हमारा, ये एस का जितना मेजरमेंट होगा वही उस जगह का मेजरमेंट होगा, ठीक है। ऐसे करके हम फ्री हैंड से हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन, और इसे ऐसे देंगे, और इस जगह का मेजरमेंट पहले हम ले लेंगे। चलिए कितना बड़ा है हम तो देखे जरा, इसे ये 9 इसमें रखा है, तो ऐसे लाइन हमें इधर देना है वो 9 तक आए। ये देखिए इतना सा आ रहा है, तो इतना सा आए अगर तो हमें तो इधर का भी कोई मेजरमेंट नहीं आएगा, तो हमें 9 तक लेना है, और भी बहुत कम कर देना है इसे, ठीक है। ये ऐसे करना है, और इधर देखूं मैं 3.5, ये ऐसे इधर आ रहा है, ठीक है। और एक बात फ्रेंड बता दूं, इसे करने के लिए आप लोग अगर ये डार्ट को थोड़ा सा बड़ा दे दे तो इसका शेप अच्छा होता है, ठीक है। मैंने 1.25 दिखा, जो वीडियो में दिखाया, फॉर्मूला में दिखाया, तो आप इसे थोड़ा, तो फ्रेंड ये देखिए 3 इंच हमारा कैसे इधर आ रहा है। ये किसी भी हाल में इस जगह को हमें 3 लाना है, तो हमें आ गया है 3, इस जगह को ऐसे आया है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा घुमा के ऐसे मेजरमेंट इस जगह को हमें लाना है, और उसके बाद इस जगह को फिर से देखना है हमें कितना आया है। तो 9 तक हमें लाना है, तो लाइन करना है किसी भी हल में हमें 9 करना है इसे। चलिए लाइन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये देखिए 9 तक इसे आ गया है इस जगह पर, ठीक है। और ये आ जाने से फ्रेंड काम खत्म हुआ, और ऐसे नहीं है, ये आप थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो इस पार्ट को ऐसे आसानी से, तो दिखने में और आसानी होगा, ठीक है। इस डार्ट को थोड़ा सा बड़ा लेंगे आप लोग, और उसके बाद आपको देखना है एक चीज़ देखना है फ्रेंड, ये यहाँ पर हमें कितना है, तो 4.25 इधर मैंने लिया है डार्ट देकर, और इधर सिम्स का है, इधर तो सिम्स नहीं है, तो इधर आपको एक सिम्स लेना है इस जगह, ठीक है। अगर इस जगह में पहले से आपको सिम्स लिया है तो ये देखिए 3, तो अब क्या हो रहा है, जो डार्ट मैंने देने वाला हो थोड़ा सा छोड़ के, तो इधर भी उस तरीका से करेंगे हम, तो और भी हमें जगह मिल जाएगा, तो ये दिखने में और आसान होगा, ठीक है। और उसके बाद इस तरफ से जो हम इस तरफ, यानी कि जो चोली कट में जो हमारा जो एक पार्ट होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसका एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। वो मेजरमेंट फ्रेंड जैसे कि 36 साइज में 5.75, तो 36 ये मैं 34 दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो दो मेजरमेंट होता है, एक इधर एक